केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को ध्यान में रखते हुए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रधान द्वारा जमकर वसूली की जा रही है। सरकार की मंशा है कि गरीबों को पक्का मकान मिले, इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलाई जा रही है। लाभार्थियों को उसके गरीबों का हक मिल सके, मगर दूसरी तरफ प्रधान द्वारा 5,000 रुपए लिए जा रहे हैं। जैसा कि विकासखंड रामनगर ग्राम भूरा का मामला सामने आया है, ग्रामीणों का सीधा आरोप ग्राम प्रधान तंत्रलाल पर लग रहा है। यही परेशानी है कि 80 घर का बिरादरी हमारे हैं, बहन बेटी के शादी के लिए परेशानी, प्रधान जबरदस्ती एक जवासेदार के वहाँ दवाल उठवा के कर धरा दे रहे हैं। हमारे सबके बहन बिटिया ब्याह हो तो कहाँ बरा के रखा, और प्रधान के मना कही प्रधान ना मानिए नहीं बनी वो खरिहान की जमीन अपनी दबंगई कर रहे हैं क्या? दबंगई कहे कि निवासीदार प्रधान हूँ, निवासीदार का मकान उठोगे नहीं साहब, हमारे सबके मिलबे नहीं क्या है। हमारे सब जितना हमारा खानदान है करीब 10-12 घर केहू को नहीं मिले है। श्यामलाल जिसमें ग्रामीणों में काफी निराशाजनक का माहौल है। बदामा ने प्रधान को 5,000 रुपए दिए, जिससे अभी तक उनको कोई आवास नहीं मिला। लाभार्थियों का कहना है कि हम लोग जब उनसे कहते हैं वे हम लोगों को गाली गलौज देकर भगा देते हैं। श्यामलाल का कहना है कि हम लोगों को शौचालय के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिला। रामनगर प्रधान के पास गए थे, पैसा लिए है प्रधान, लेकिन फिर भी नहीं मिला। कितना लिए? 5,000। आजकल के इधर बीच में मैं नहीं गया उनके पास, अच्छा नहीं है वो है ना, सेक्रेटरी आए थे, फोटो वोटो खींच के लेके गए थे, 100 रुपया लेके वो भी गई थी। हाँ 100 रुपया वो भी लिए। चलिए ठीक, आपका क्या नाम है? प्रतापी। चलिए सेक्रेटरी ना लेने प्रधान ले रहे कॉलोनी के तुली नहीं प्रतापी बदामा कॉलोनी मिली आपको? नहीं। प्रधान ने आपको दिए? पैसा। अच्छा, तो क्या आप पात्र हैं? ठीक।